का स्वागत है। मैं सुरक्षा बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। पेरिस पैरा ओलंपिक में सातवें दिन भारत के सचिन सर्जे राव खिलाड़ी ने पुरुषों के शॉर्ट पुट एफ 46 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीत लिया है। सचिन 1984 के बाद शॉर्ट पुट में मेडल जीतने वाले पहले पुरुष भारतीय एथलीट बन गए हैं। सचिन के इस मेडल के साथ ही भारत के मेडल की संख्या 21 पहुंच गई है। यह एक पैरा ओलंपिक में भारत के लिए सबसे ज्यादा पदक है, क्योंकि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी कुल 19 पदक तक ही जीत पाए थे। नई दिल्ली में पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद से दोनों के चुनाव लड़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि काफी लंबे समय से बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार विनेश फोगाट जुलाना जिंद से और बजरंग पूनिया बादली झज्जर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। नीट पेपर में गड़बड़ी के मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक आरोपी की लगभग 10 लाख की फिक्स्ड डिपॉजिट को अटैच किया है। आपको बता दें, ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की थी। उसी दौरान कुछ आरोपियों को समन भी जारी किया गया था। पेपर लीक मामले में जांच के दौरान ईडी ने क्राइम से हुई कमाई की पहचान की है, जिसके बाद ईडी ने एक आरोपी को FD जब्त कर ली है। जांच अभी जारी है और जल्द ही अन्य आरोपियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जा सकती है। गौरतलब है कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा दोबारा कराने से साफ इनकार कर दिया था। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री एवं सांसद कुमारी शैलजा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का हवा बनाया हुआ था। अब भाजपा की हवा निकल चुकी है। उनके मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के अलग अलग सुर सुनने को मिल रहे हैं। इन लोगों में तालमेल की कमी है, यह क्या राज चलाएंगे। उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति पर कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने का आखिरी फैसला हाईकमान का होगा, यही टिकट वितरण में भी होता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की चलने जैसी कोई बात नहीं है।